वालेकुम प्यारे दोस्तों क्या है जी ठीक ठाक हो तो बैसे ठीक है, है उम्मीद करता हूँ आप फतल व्रम से ठीक होंगे इन ये ब्रिक टाइल रसू है छत की वाटर प्रूफिंग के लिए क्योंकि ये छत पर लगाया जाता है इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन नौ इंच है और इसकी चुलाई साढ़े चार इंच है और इसकी मोटाई जो है डेढ़ इंच है ये छत के ऊपर ही लगाया जाता है वैसे तो एक इंच वाला भी मिलता है मगर ये थोड़ा मज़बूत ज़्यादा होता है एक इंच वाला वजन में तो कम होता है मगर वो मजबूत नहीं होता इतना ज़्यादा क्योंकि वो उसके ऊपर लगाया जाता है जब छत के ऊपर हम थर्मापोल लगाते हैं ना उसके ऊपर भी ये एक इंच वाला भी ठीक होता है डेढ़ इंच वाला इसलिए है क्योंकि थरमापोल हमने लगाया नहीं है थरमापोल वो तो बहुत ही अच्छी है हम इसको समझते हैं थरमापोल बहुत अच्छी चीज़ है लगाने में उसमें वाटर प्रूफिंग बेहतरीन और माशाल्लाह वीआईपी और कमाल की होती है वाटर प्रूफिंग उसमें यह होता है कि जब हम वाटर प्रूफिंग के लिए थर्मापूल लगाते हैं ना वो बहुत ही मज़बूत बना बना देती है छत को नीचे पानी नहीं जाता ये भी ठीक इसलिए है क्योंकि हम इसके नीचे पहले प्लास्टिक लगाते हैं और उसके ऊपर मट्टी डालते हैं मट्टी डालने के बाद दस एक के मिसाले से ये टसू लगाया जाता है दस एक का मिसाला ये भी कम नहीं होता क्योंकि इतना तेज़ मिसाल ना डालना भी ज़रूरी नहीं होता छत के ऊपर क्योंकि इसके ऊपर ग्रोडिंग हो जाती है ग्रोडिंग मजबूत ग्रोडिंग करती है इसको जो इसके ऊपर हम जो मिसाला लगाते हैं ना मार्बल पाउडर उसमें डालते हैं मिसाला बनाते हैं वो तेज़ से तेज़ मिसाला होता है बहुत ही तेज़ मिसाला होता है वो इसको मजबूती से जकल लेता है अपने अपनी तरफ इसके ऊपर मिट्टी पड़ी होती है पड़ी हुई होती है मिट्टी को हम सीधा करते हैं फटी की मदद से फिर मिसाले को भी हम उसी तरह पट्टी की मदद से सीधा करते हैं और उसको सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा पानी लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये गीला हो जाए मिसाला देखें हम भट्टी को भी सीधा कर रहे हैं ये मिसाला पड़ा हुआ है साइड में हम उसको भी सीधा करेंगे उसके बाद ये फर्श मुकम्मल करेंगे इनशाला इनशाला मुकम्मल होने वाला है अभी हो जाएगा कुछ ही देर में माशा से अल्लाह के फद्लो करम से और ये कम्प्लीट भी हो गया है अलहमद ये आप देखें कैसा लग रहा है खूबसूरत नजर आ रहा है माशाल्लाह से और इसके ऊपर हम मिसाले से ग्रोडिंग करेंगे वही तेज़ मिसाला आपको दिखाते हैं मिसाला भी हम कैसे बना रहे हैं कैसे बनता है ये मिसाला इसमें क्या, क्या क्या डाला है हमने ये पानी लगा रहे हैं पानी लगाने से देखें ये इसमें सीमेंट है हल्की सी रेत है और फिर मार्बल पाउडर है इसमें डाला है सफ़ेद वाला और फिर हम इसको ऊपर लेकर देख ले, कर, दे, ले और इसकी मदद से हम ग्रोडिंग करेंगे छात की और ये वाटर प्रूफिंग भी बेहतरीन होती है वाटर प्रूफिंग इसमें किसी जगह से भी कोई गैप नहीं रहता ये सार के सारे गैप बंद हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं किसी जगह से भी पानी जाने की मसला नहीं होता पानी नहीं जाता सब बंद हो जाएंगे ये जो आपको इसके गैप नज़र आ रहे हैं सब सब के सब बंद हो जाएंगे कुछ ही देर में ये देखो ये मिसारा भी बन रहा है ऊपर और इसके ऊपर हम ये लगाते हैं क्योंकि ये इसको थोड़ी सी काम में चमक भी आ जाती है और काम भी खूबसूरत नज़र लगने लगता है देखने में भी ठीक होता है और मज़बूत भी होता है और हम इसके ऊपर गरमाला भी मार सकते हैं मसला कोई नहीं होता मगर गरमाला लगाने से ये बेहतर है ये काम जो हम कर रहे हैं पानी की तरह मिसाला होता है हर एक दर्ज में इसकी मिसाला चला जाता है और कोई जगह भी इसकी खाली नहीं रहती ये देखें माशाल्लाह और प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर कर लें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़